तो काफी सारे डिमांडिंग अरोमा का नेक बैंड ये NB119 है 450 की प्राइसिंग में आते, काफी लोग इसके बारे में कमेंट करके पूछ रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ ये NB119 अरोमा के नेक बैंड का फुल रिव्यू। लेकिन जल्दी से शुरू करेंगे कि इसके डब्बे में क्या मिलेगा। देखो जैसे मैंने डब्बा ओपन करा, मुझे बहुत सारा सामान मिला सिर्फ नेक बैंड के नाम पे, यानी मुझे सिर्फ नेक बैंड ही मिला, अंदर केबल चार्जिंग केबल कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा ईयर पीसेस कुछ भी नहीं मिले। और ऑब्वियसली यूज डब्बा आया था मेरे पास, अगर आपके पास भी यूज माल आता है तो हो सकता है काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन, इसकी भी पीटी हुई कंडीशन ही थी, लेकिन मैंने बोला कोई ना। बट इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो बिल्ड इसका मुझे ठीक लगा, प्लास्टिक का बिल्ड है, लेकिन यार ये जो कलर है इतना चमकीला सा, काफी छपरियों वाली फील मुझे तो लग रही थी। अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आप ब्लैक में लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन बिल्ड प्लास्टिक है। उसके अलावा मैं बात करूँ इसकी फ्लेक्सीबिलिटी की, तो देखो काफी ज्यादा फ्लेक्सीबल है। इसके ऊपर बटन्स भी मिल जाएंगे जिनकी क्वालिटी मैं बोलूंगा काफी घटिया सी है, बट 450 के प्राइस को अगर मैं ध्यान में रखूँ तो इतनी भी बुरी नहीं लगी। इसके ऊपर डिजाइन तो काफी ज्यादा गए गुजरे बने हुए हैं, लेकिन मैं बोलूंगा फिर भी ठीक है। अगर आपको इसे टर्न ऑन करना है तो बीच का जो बटन है उसे प्रेस करके रखना पड़ेगा, ये टर्न ऑन हो जाएगा। उसके अलावा एक छोटा सा ऊपर लाइट इंडिकेटर मिल जाएगा और इसमें माइक्रो यूएसबी की चार्जिंग पोर्ट है, यानी कि टाइप सी पोर्ट आपको नहीं मिलेगा। और ऊपर से एक और चीज, इन्होंने केबल भी नहीं दी, यानी अगर आपके पास कोई और माइक्रो यूएसबी केबल नहीं है तो आप इसे चार्ज भी नहीं कर पाओगे। तो ये थोड़ी सी घटी सी चीज लगी, लेकिन इसके ईयर पीसेस की बात करें तो इनमें मैग्नेट लगा हुआ है, यानी कि अगर आप गले में लटकाओगे तो ये ऑटोमेटिकली चिपक भी जाएंगे अगर आप इन्हें चिपकाना चाहो। गिरने की ज्यादा दिक्कत तो नहीं रहने वाली, लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे। और फिटिंग की बात करूं तो देखो फिटिंग भी काफी ठीक है, आप देख ही सकते हो, तो मैं बोलूंगा आराम से कान हिलाने पे निकल तो नहीं रहा, तो फिटिंग इसकी मैं बोलूंगा ठीक ठाक है। बात करता हूं जल्दी से इसके थोड़े से फीचर्स की जो कि आपके काम आ सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ 5.0 वर्जन मिलेगा, यानी काफी पुराना ब्लूटूथ का वर्जन मिलेगा। 10 मिनट की रेंज मिल जाएगी, माइक इनबिल्ड मिल जाएगा, 48 आवर्स तक का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है, और 10 मिनट चार्ज करने पे आपको 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, ऐसा कंपनी बोलती है, मैं नहीं ठीक है। ऑब्वियसली इससे 3 घंटे 2 घंटे तो आप ऑब्वियसली कम कर ही सकते हो, उतना ही आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला है। अगर आपको 5 घंटे 10 मिनट चार्ज करने पे बोल रही है तो मैं बोलूंगा 2.5-3 घंटे से ऊपर आपको नहीं मिलेगा बिल्कुल भी बैटरी बैकअप। बट उस हिसाब से प्राइस के हिसाब से मैं बोलूंगा काफी अच्छी चीज है। अब इसकी ऑडियो की बात करूँ, देखो ऑडियो इसका ठीक एवरेज है यार, अगर आप 500 की चीज खरीद रहे हो तो आप 10,000 वाले नेक बैंड से कंपेरिजन नहीं कर सकते। 500 के हिसाब से मैं बोलूंगा अच्छा खासा काम कर जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको एक और चीज बता दूं, अपने फोन के वॉल्यूम को भी आप इन बटन से ही कंट्रोल कर सकते हो, आपको जस्ट प्रेस करते रहना वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए कम करने के लिए। अगर आपको नेक्स्ट सॉन्ग पे शिफ्ट करना है तो आपको एक बटन को दबा के रखना, आप हल्का सा 2 सेकंड के लिए दबा के रखोगे तो नेक्स्ट गाना बजने लग पड़ेगा। बट उस हिसाब से मैं बोलूंगा चीज अच्छी है, 500 रुपए में मैं बोलूंगा बजट है। अगर आपका 500 से ज्यादा बजट नहीं है तो अच्छी चीज है, आप इसकी ओर जा सकते हो। बट इसका जो ये कलर है काफी ज्यादा ऐसे छिपकलियों वाला छपरी वाला लग रहा है मुझे। ऑडियो क्वालिटी की और बात करूं तो मैं बोलूंगा सही था, अगर आप बेस ट्रैवल सारी चीजें मिक्स ही मिलेंगी यार, कोई मैं ऐसे नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा हैवी बेस है, कुछ हैवी बेस नहीं मिलेगा, बट काम चलने वाला मिल जाता है। अगर आप इसे चार्ज करोगे तो इजीली चार्ज भी हो जाता, तो चार्जिंग में भी कोई इशू नहीं आएगा। बट वही चीज है कि अगर आपको इसे परचेज करना है कर सकते हो, अगर आपके पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हैं जो आप डाल के एक अच्छे से नेक बैंड की ओर जा सकते हो तो मैं बोलूंगा एक थोड़े से एक्स्ट्रा एड ऑन करके एक ब्रांडेड अच्छी कंपनी के नेक बैंड की ओर जाओ। बट ये भी अच्छी चीज है, अगर आपको ये खरीदना तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यही था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।